नमस्कार आप रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राधिका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तस्वीर साफ होती जा रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगना तय है लेकिन सचिन पायलट का क्या होगा राजनीतिक पंडितों के लिए यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है पेश है ये खास रिपोर्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जलवा कायम है सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली क्या पहुंचे मौसम सुहाना हो गया और मौसम भी सुहावना क्यों न हो जब भारत की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया पद पर उनकी ताजपोशी कुछ ही दिनों में होने वाली हो। जलवा भी कायम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी गहलोत सीएम बने रहेंगे ये अलग बात है कि ऐसा सब हुआ तो गहलोत दो नावों की सवारी किस तरह से कर पाएंगे अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा राहुल गांधी इन दिनों अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा के दौरान के दौरान राज्यों नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं जब से यह तस्वीर साफ हुई कि गहलोत को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सक्रिय हो गए हैं जयपुर में 7 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने के बजाय वे भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ पर राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी पहुंच गए ये अलग बात है कि 6 सितंबर को ही गुलाबी नगर में जन्मदिन का जश्न मनाकर आला कमान को ये जताने में कामयाब रहे कि गहलोत के बाद कांग्रेस की पतवार संभालने वाला वो ही एक चेहरा है यात्रा के दौरान पतवार तो राहुल गांधी ने भी संभाली लेकिन अध्यक्ष पद पर उनकी ना गहलोत की ना पर भारी पड़ती जा रही है पायलट एक बार फिर यात्रा से जुड़े में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलते नजर आए इस यात्रा की तस्वीर जरूर देखिए इसमें सचिन पायलट पसीना पसीना नजर आ रहे हैं चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। आप एक बार फिर देखिए पायलट अपने ललाट से कैसे पसीना पोंछ रहे हैं क्या यह पसीना पैदल चलने से आ रहा है या उस घबराहट का नतीजा है कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उनका क्या होगा पुष्कर का जूता कांड होने के बाद पायलट को समझ में आ गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना इतना आसान नहीं है और वो भी जब पार्टी की कमान उसी आदमी को मिलने वाली हो जिसने सरे आम नकारा निकम्मा कहा हो कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस हम जानते थे कि निकम्मा है नकारा है निकम्मा है नकारा है कम्मा है नकारा है यात्रा के दौरान राहुल गहलोत की मुलाकात भी अहम है पायलट राहुल के साथ हैं लेकिन सोनिया का हाथ पूरी तरह गहलोत के सिर पर है पसीने से तरबतर सचिन के लिए राहुल सोनिया ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिए हैं पायलट मौन है और उनके समर्थक उग्र दोनों तरफ धर्म संकट है लड़ाई आर या पार की है ऐसे में अभी चर्चा सिर्फ इसी बात की है कि पार्टी का मुखिया कौन और राजस्थान का सीएम बनेगा कौन शुभ 24 न्यूज के लिए कमल जैन की रिपोर्ट तो यू ही बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में नमस्कार